नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मजदूर और गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है, सरकार द्वारा उनकी सुध नहीं ली जा रही है कि उनका इलाज, उनके भोजन और आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरा देश कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में एकजुट है, लॉकडाउन का भी सभी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के भ्रामक बयानों से जनता में भी दुविधा की स्थिति बनी रही है। अखिलेश यादव ने शनिवार को जारी करते हुए एक बयान में कहा था कि जनता कोरोना को हराने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं भाजपा सरकारें ईमानदारी से काम करने के बजाय राजनीति कर रही है। कम्युनिटी किचन और RSS के भंडारे में कोई फर्क नहीं दिखता है। स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकारी संस्थाओं से प्राप्त की खाद्य सामग्री को RSS अपना बताकर और मोदी थैली में भरकर कुछ भाजपाई परिवारों में बांट रही है। संघ की कुटुंब शाखा कैसे लगाई जा रही है, एक सवाल पूछे थे योगी सरकार से। उन्होंने कहा कि किस आगरा मॉडल की प्रधानमंत्री ने तारीफ की थी, वह लगातार लापरवाही और बदइंतजामी से फेल हो चुका है। जिला प्रशासन की हेल्पलाइन कारगर नहीं हो सकी है। दवा की पूर्ति दूर की बात थोड़ी कौड़ी साबित हो रही है। हॉस्पिटल इलाकों में आवश्यक खाद्य पदार्थों व दूध ठीक से सप्लाई नहीं हो पा रही है। सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव जी ने कहा था कि आप लॉकडाउन में शक्ति दिखा रहे हो, पर पहले ये गरीबों को ये सब खाना पहुंचाओ, ये सब सुविधा दो, फिर आप इतनी शक्ति दिखाओ। दोस्तों, अखिलेश यादव जी के ये सवाल सही थे, योगी सरकार से और मोदी सरकार से ये सवाल सही किए अखिलेश यादव जी ने। कृपया आप कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, नमस्कार।